हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हुए हैं बैंकॉक, और बैंकॉक के अंदर हमने जो होटल बुक करा है वो है बायोक्स का है। थाईलैंड का सबसे टॉलेस्ट होटल है ये बायोक्स का है, और यहाँ हमने अपना 4 नाइट्स का स्टे बुक कर रखा है। और चलो अब मैं इसका आपको व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ के रूम है, जो हमारा रूम है ये बुक किया हमने। नीचे की बात करें तो नीचे यहाँ मार्केट है, इंदिरा मार्केट है। प्लेटिनम मॉल के पास ये होटल पड़ता है, और काफ़ी ही अच्छा होटल है, और काफ़ी एमिनिटीज़ हैं इसके अंदर। और ऊपर डेक के अंदर जाने के लिए भी लोग चार्जेस पे करते हैं, जिन्होंने ये होटल बुक नहीं कराया होता। बट हमने होटल बुक कराया हुआ तो हमारा डेक का फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। प्लस गोल्फ भी है इस होटल के अंदर, जिम भी है, और काफ़ी अच्छा टेस्टी ब्रेकफास्ट है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह से इस होटल का व्यू लिया है, उसकी मैंने वीडियो डाल रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं कितना लंबा होटल है। 84th फ्लोर पे इसका डेक है जो सबसे ऊपर है, और ये रूम की एक कैटेगरी है जो स्टैंडर्ड जोन होता है, वो 22 से 45 फ्लोर है। स्काई जोन 46 से 63 है, एंड स्पेस जोन जो है 64 से 74 है। मेरा जो होटल है वो स्पेस जोन के अंदर है, 70th फ्लोर मेरा होटल था, होटल का रूम था। और बहुत ही नीट एंड क्लीन होटल है, बाथटब था, एंड हर चीज़ मेरे को इस होटल में मिली। एंड जो बॉटल कंपनी दी है वो भी एक एज अ टॉवर की तरह है, 2 बॉटल्स हमें मिली थी इसमें। और होटल से ही पूरा, मतलब आपके रूम से पूरा नीचे का व्यू दिखता है, बहुत ही सुंदर व्यू है। ब्रेकफास्ट टाइम में केक्स मिलते हैं, और ये सारी लॉबी है। यहाँ आपके सामने की तरफ हम देखें तो स्विमिंग पूल है। अब हम चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर, स्पा एंड मसाज, ब्यूटी सैलून। ब्यूटी सैलून पेड है, स्पा भी पेड है। ये स्विमिंग पूल है, बहुत सुंदर स्विमिंग पूल है, एकदम नीट एंड क्लीन है। अब हम चलते हैं जिम वाली साइड। ये फिटनेस सेंटर है, और फिटनेस सेंटर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और सारे इक्विपमेंट्स हैं। इस टाइप से फ्रूट मार्केट है, फ्रूट चाट वगैरह यहाँ मिलती हैं। और ये होटल के अंदर ही है, 18th फ्लोर पे रिसेप्शन के पास है ये। और अब हम जा रहे हैं गोल्फ़ कोर्स की तरफ। मैंने बताया था कि गोल्फ़ भी है इसी होटल के अंदर इनबिल्ट। सामने की तरफ आप देखें तो वो गोल्फ़ है, गोल्फ़ एरिया है, काफ़ी ही सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरा है। और बात करें गोल्फ़ को प्ले करने का जो चार्जेस है उसकी, तो इस बोर्ड में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर चाइल्ड प्ले करता है तो 50 बाट्स हैं, और एडल्ट है तो 100 बाट्स हैं। आप वहाँ 100 बाट पे करेंगे तो उधर आप प्ले कर सकते हैं, वो आपको सारे इक्विपमेंट्स दे देंगे गोल्फ़ के, ये बॉल्स वगैरह हैं। और बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है, फिशेस हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इन्होंने बना रखा है गार्डन टाइप। ये है बायोक मिनी गोल्फ। इंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है इस होटल में, सबसे बढ़िया होटल है ये पूरे थाईलैंड के अंदर। इस टाइप से हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये डेक के लिए। और वैष्णो भी बहुत रो रही है, इसलिए मेरे को वॉइस थोड़ा सा उनका म्यूट करना पड़ गया है। वैष्णो भी इसलिए रो रही है, वो पहली बार इतने अंधेरे में आई है, और उसे डर लग रहा है कि कहाँ ले जा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा ये प्लेस है। ऊपर तक जाने के लिए लिफ्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ ऊपर रिवॉल्विंग है, ये स्पाइडरमैन बना हुआ है। और ये सारे विनर्स हैं,
यहाँ हर साल रेस होती है कि कौन नीचे से लेके ऊपर, मतलब पैदल स्टेप चढ़ के आ सकता है। सबसे फास्टेस्ट जो है उन सबका रिकॉर्ड यहाँ दर्ज है, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। ये रिवॉल्विंग डेक है, यहाँ ऑटोमेटिकली ये घूम रहा है। हमारा होटल है ये उसका रिवॉल्विंग डेक है। अभी हम 84th फ्लोर के अंदर हैं और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है इसमें। और जो ये ग्रिलिंग है ये रिवॉल्व कर रही है, आप देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ ऑटोमेटिकली ये रिवॉल्व कर रहा है 360 डिग्री, पूरा चक्कर लेता है ये। और काफ़ी बढ़िया होटल है, मज़ा आ जाएगा। और नीचे की तरफ मार्केट है, मेन मार्केट है बैंकॉक की, मैं आपको उसका भी व्यू दिखाता हूँ। ये जो है बायो स्क्वायर होटल है, थाईलैंड का थाईलैंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अभी हम यहाँ पे हैं, इधर आप देख सकते हो हमारा रूम जो है यहाँ पर है, 17th फ्लोर में हमारा रूम है। वो काफ़ी अच्छा ही होटल है, अगर आप थाईलैंड और बैंकॉक का प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा इस होटल का, इस होटल में जरूर रहिए। और काफ़ी अच्छा है इसका ब्रेकफास्ट और काफ़ी अच्छी अच्छी इसमें एमिनिटीज़ हैं। गोल्फ है, स्विमिंग पूल है, जिम है, स्पा है, काफ़ी चीज़ें हैं। गोल्फ भी फ्री है और जिम भी फ्री है और स्विमिंग भी फ्री है, स्पा के थोड़े बहुत चार्जेस हैं। और काफ़ी अच्छा होटल है ये, देखो वैष्णवी आई है इस बार हमारे पर। वैष्णवी हेलो करो, हेलो। और स्पाइडरमैन किधर है? देखो वैष्णवी स्पाइडरमैन दिखा रही है, ये स्पाइडरमैन है। अब हम आए हुए हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक लेने, या हमें कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिला है। जो भी इस होटल में बुक करता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलता है और काफ़ी टेस्टी है। ऑरेंज जूस है और कुछ डिफरेंट टाइप का है। चीयर्स। इस टाइप से आप लिफ्ट से आके, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं बायो स्क्वायर होटल में, यहाँ आप अपनी अपनी फ़ोटोज़ खींच क्लिक करवा सकते हैं इस टाइप से। ये सारा इन्होंने एक फ्लोर जो है फोटो क्लिकिंग के लिए ही दिया हुआ है। यहाँ आप अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। थाईलैंड में भी रिक्शा होता है। इधर से है ना रास्ता? हाँ तो यहीं से आएगा ना। स्विमिंग वाला बोल रहा है कौन से फ्लोर पे है? स्विमिंग में क्या 20th 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 20th